गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर। आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज देख लेंगे। एक तो फर्स्ट थिंग है कि फार्माकोग्नोसी जो सब्जेक्ट है, जो कि अभी न्यू सिलेबस में भी है डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसका हम डेफिनेशन और हिस्ट्री कर लेंगे। लेकिन इस टॉपिक से पहले मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी कि जैसे आपके बार बार क्वेरीज आती है, आप थोड़े क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये पीसीआई का कुछ न्यू अपडेट आया है, या जो एग्जाम होने वाला था जिनका एडमिशन 2020 में हुआ है, तो उनका भी एग्जाम जो जनवरी में होने वाला है, तो उनका एग्जैक्ट डेट आया कि नहीं आया वो भी वो लोग पूछते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा अपडेट्स देख लेंगे। और जो एज लिमिट का जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है या आप लोग पूछते हैं, तो उसके बारे में भी एक छोटा सा प्रोग्रेस है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम फार्माकोग्नोसी जो हम पढ़ेंगे, अब तक हमने जो भी पढ़ा था वो ओल्ड सिलेबस से पढ़ा था, या जितने भी वीडियोस मिलेंगे ओल्ड सिलेबस के मिलेंगे। जो न्यू सिलेबस जब आया है तो इसमें क्या इंट्रोड्यूस हो गया, तो इसमें जब हम हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड हुए, यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम और कहाँ कहाँ ये हिस्ट्री, सबसे पहले कहाँ पे फार्माकोग्नोसी क्वाइन हुआ, किसने क्वाइन किया, इजिप्ट में कैसा हुआ, चाइना में कैसा हुआ, इंडिया में कैसा हुआ, तो ये पूरे डिटेल में जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं या जो जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के नेम है वो हम याद करने की कोशिश करेंगे। मैं एक ट्रिक के साथ, मैं एक स्टोरी के साथ आपको याद कराने की कोशिश करूंगी, जैसा कि मैं क्लास में करती हूँ, और मैं अच्छा रिस्पॉन्स देखती हूँ कि बच्चों को याद हो जाता है। तो देखते हैं, शायद आप लोग को भी थोड़ा इससे मदद मिले। सो फर्स्ट हम चैप्टर फर्स्ट फार्माकोग्नोसी का पढ़ रहे हैं, जो कि डी फार्मा में है। आज हम देख लेंगे डेफिनेशन, पीसीआई का थोड़ा एज लिमिट का जो प्रोग्रेस हुआ वो देख लेंगे, और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से अगर कुछ अपडेट आई है तो वो भी देख लेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्माकोग्नोसी जब हम स्टार्ट करते हैं, पहले और अभी में थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन वो पॉइंट्स हमें लेना है, क्योंकि अब जो एग्जाम्स आएंगे उसमें 1 मार्क के क्वेश्चन भी आएंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फार्माकोग्नोसी है क्या। ये जो फार्माकोग्नोसी है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या रीजन है, और इस वर्ड का मतलब क्या है। तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड एक्चुअली 2 ग्रीक वर्ड से आया है। एक जो ग्रीक वर्ड है उसको हम इसको तोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, फार्माकोन। अब ये फार्माकोन का मीनिंग क्या होता है, तो ये फार्माकोन का मीनिंग होता है ड्रग्स, है ना, यानी दवाइयां। अब एक और इसका ग्रीक वर्ड, इसको इस वर्ड को तोड़ा जाए तो क्या मिलता है, गिग्नोस्को। अब ये गिग्नोस्को का मतलब क्या होता है, टू एक्वायर नॉलेज का मतलब क्या हो गया, टू एक्वायर नॉलेज का मतलब हो गया कि जितने भी क्रूड ड्रग्स हैं, जितने भी जो कि हम प्लांट से निकालते हैं, या फिर हम उसे एनिमल से निकालते हैं, या फिर हम उसे मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सारे क्रूड ड्रग्स को, सारे कच्चे ड्रग्स को, सारे कच्चे माल को जिसे दवाइयां बन सकती हैं, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज रखने को ही क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। अब इस फार्माकोग्नोसी को सबसे पहले किसने दिया, इस वर्ड को किसने दिया, तो वो साइंटिस्ट को आपको बुक में अलग अलग मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो न्यू बुक आया है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है, ये जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है, ये किस साइंटिस्ट ने दिया है, तो ये साइंटिस्ट का नाम है सिडलर ने इस वर्ड को फर्स्ट टाइम क्या किया था, दिया था इस वर्ड को। और वो सिडलर ने कौन सी ईयर में दिया था वो हमें याद रखना पड़ेगा, तो वो ईयर है कौन सा, वो ईयर है कॉलेज में एक सिडलर सर है, वो कॉलेज में आते हैं, वो हमें क्या बोलते हैं कि देखो 10th में आप जब भी अप्लाई कर सकते हो बोर्ड एग्जाम, अगर आपका मैक्सिमम एज 19 है और मिनिमम कितना है 15 है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 19 है एंड मिनिमम 15 एज के होना, तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 15 आ जाता है। तो ऐसा हम याद कर सकते हैं, सिडलर सर ने क्लास में आया, क्लास में आके क्या अनाउंस किया कि आप बोर्ड एग्जाम में जब भी अप्लाई कर सकते हो जब आपका एज 19 या फिर 15 के बीच में होगा। तो इन दोनों को जोड़ देना, 1915 में सिडलर ने फर्स्ट टाइम क्वाइंड दिस नेम, कौन सा क्वाइंड, फार्माकोग्नोसी होता है बोल करके उन्होंने दिया था, ठीक है ना। अब उसके बाद ये कहाँ मेंशन, ये चीज हमें कहाँ मिलती है, तो ये चीज हमें जो बुक में मिलती है वो मिलती है, वो बुक का नाम क्या है, एनालेक्टा और फार्माकोग्नोस्टिका। ये क्या है, ये बुक का नाम है,
ये बुक का नाम है जहाँ पे ये फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है ये क्या हुआ था वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इस बुक में। कौन से बुक में? तो बुक का नाम भी आ सकता है, तो बुक का नाम है एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। तो ये फार्माकोग्नोसी को पहले क्या बोला जाता था, ये फार्माकोग्नोसी जो सब्जेक्ट था इसको पहले इसको क्या बोलते थे, ये सब्जेक्ट का नाम क्या था, मटेरिया मेडिका। ये क्या था, ये जो नाम है, ये जो मटेरिया मेडिका है, ये प्रीवियसली बोला जाता था, यानी पहले के लोग इसको यूज करते थे। इसको पहले के लोग क्या यूज करते थे, तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पहले फार्माकोग्नोसी को क्या बोला जाता था, तो मटेरिया मेडिका बोला जाता था। ये फार्माकोग्नोसी वर्ड किसने दिया, तो सिडलर साइंटिस्ट ने दिया। कौन से ईयर में दिया, तो 1915 में दिया। इसको कैसे याद करना है सर, ये सिडलर सर क्या अनाउंस करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में वही बच्चा बैठेगा जिसका एज 19 मैक्सिमम 19 होना चाहिए और मिनिमम कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए, सॉरी ये है 18। जब हमें क्या करना रहता है, हम जब वोट वगैरह देते हैं ना, जब का यानी जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है, हमें बोर्ड वगैरह का एग्जाम देना पड़ता है ना। तो उन्होंने कब दिया था, 1815 में दिया था, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। 1815 ये कैसे याद करना है, 18 में हमें क्या होता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम क्या होते हैं, एक नागरिक जो है वो वोट दे सकता है, वो लाइसेंस बनवा सकता है, तो 18 याद कर लेना, और मैक्सिमम एज 15 और मिनिमम एज, मैक्सिमम 18 एंड मिनिमम 15। बुक का नाम जिसमें ये मेंशन है वो एनालेक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका है, और वहां पे क्या मेंशन है, ये नाम मेंशन है, सब्जेक्ट ये ले लिया गया था, फार्माकोग्नोसी अब से एक सब्जेक्ट होगा, और ये फार्माकोग्नोसी को पहले ये सब्जेक्ट का क्या नाम था, मटेरिया मेडिका। तो ये हो गया थोड़ा बहुत फार्माकोग्नोसी के बारे में, ठीक है ना। अब इसका हम हिस्ट्री देखेंगे कि हिस्ट्री क्या होता है, यानी कि ये फार्माकोग्नोसी सबसे पहले, मतलब कि प्लांट से जो हम, एनिमल से जो हम दवाइयां बनाते हैं, ये पृथ्वी पे, ये पूरे वर्ल्ड में कहाँ पहले मिला होगा, या कहाँ जो भी हमें रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिलती है तो हमें क्या मालूम होता है कि कौन से कंट्री पहले ये सब चीजों में आगे था, वहां पे प्लांट या एनिमल से एक्सट्रैक्ट निकाल के वहां से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल करके यूज किया जाता था, मेडिसिन बनाया जाता था। तो जो न्यू बुक है उसमें सबसे पहले इजिप्ट का नाम है, इजिप्ट कंट्री। अब इजिप्ट कंट्री कौन सा है, इजिप्ट को मिस्र भी बोलते हैं, जहां पे वो किस लिए फेमस है, वो अपने पिरामिड्स के लिए फेमस है। पिरामिड यानी कि गुंबद के जैसा रहता है, जहां पे जो भी वहां के जो शासक रहा करते थे, जो वहां के राजा वगैरह रहते थे, उनको क्या करते थे, वो मरने के बाद भी उनके बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता था, मसाले वगैरह लगा करके या केमिकल्स लगा करके, ममीज उनको अंदर ही मकबरे के जैसा रहता था वो पिरामिड में, और वहीं पे उनको आज भी दफन है, और वो 7 अजूबों में एक अजूबा है। तो वो कहाँ है, वो इजिप्ट में है। तो जब इसकी खोज हुई कि फार्माकोग्नोसी यानी कि प्लांट एनिमल या फिर मिनरल में से जो दवाई बनाई जाती है, तो वो दवाई जो बनती है, तो पूरे वर्ल्ड में कौन कंट्री जो था वो सबसे आगे था, यानी ये सब चीजों का यूज करने लग गया था, प्लांट का, एनिमल का, मिनरल का, और दवाइयां बनाते थे। तो जब रिकॉर्ड देखा जाता है तो इजिप्ट में मिलता है सबसे पहले। तो कौन से ईयर में, तो उसमें मेंशन किया हुआ है कि इजिप्ट में मिला, तो क्या मिला, कौन सा रिकॉर्ड मिला, तो जो रिकॉर्ड मिला वो एक पेपर था, वो पेपर का नाम क्या था, पैपिरस एबर्स। अभी पैपिरस पेपर से आया, ये वर्ड जो पेपर पैपिरस है, पेपर से आया, यानी कि वहां पे एक पेपर के जैसा मिला, वो पेपर में उनके लैंग्वेज में लिखा हुआ था, है ना, उनके लैंग्वेज में लिखा हुआ था। और क्योंकि ये पेपर का था तो इसको पेपर और रस, पैपिरस बोलते हैं। अब हमने इसको कैसे याद किया, हमने इसको याद किया कि ऐसा पेपर जो कि रस में डूबा हुआ है, रस में डूबा हुआ है, पेपर है जो रस में, तो पेपर रस हमने बना दिया, और एबर्स याद कर लेना है। तो ये कहाँ मिला, तो ये इजिप्ट में, मिस्र में मिला, जो कि किस चीज के लिए फेमस है, अपने पिरामिड्स के लिए फेमस है। तो कौन से ईयर में मिला, कौन से सेंचुरी में मिला, तो ये मिला 16th सेंचुरी में मिला था, 16th सेंचुरी में ये मिला था, 16th सेंचुरी में ये
रिकॉर्ड मिला था। किस में मिला था? ये पेपर में मिला था। वो पेपर का नाम क्या था? पेपिरस एबर्स। जहां पे वो रिकॉर्ड मिला था उसमें लिखा हुआ था 700 क्या 700 मेडिसिनल प्लांट के बारे में लिखा हुआ था, यानी कि ड्रग के बारे में लिखा हुआ था, 700 ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ था, और उसमें 800 क्या लिखा हुआ था, तो फॉर्मूलेज लिखे हुए थे। तो ये हम कैसे याद करेंगे? ये भी याद करना मुश्किल हो जाता है कि 700 ड्रग्स था। तो हम याद करेंगे कि ये जो पेपर, जब हम रिसर्च करने गए, जब हम ढूंढने गए, हमको ये पेपर मिला, ये पेपर इजिप्ट का है। तो इजिप्ट जो पेपर बनाता था पहले दरख्त के, उससे बनाता था। पेपर क्या है? लकड़ी से बनते हैं ना, तो उसी के जब पेपर बनाते हैं तो वहां का जो पेपर बनता है उसको पेपिरस एबर्स बोलते हैं। कौन से सेंचुरी का मिला? तो 16th सेंचुरी का मिला। उसमें क्या मेंशन था? तो उसमें ड्रग्स, 700 ड्रग्स के बारे में मेंशन था। तो ये चीज हमें याद नहीं रहेगी कि 700, तो 700 हम क्या बोलेंगे, 700 में हमने परचेज किया, 700 में हमने क्या परचेज किया, हमने ये पेपर परचेज किया। तो अब हमें याद हो जाएगा कि पेपिरस एबर्स जो पेपर था, जो रिकॉर्ड था, जिसमें 17th सेंचुरी के बारे में लिखा हुआ था, फार्माकोग्नोसी मतलब प्लांट से जो भी दवाइयां निकाले गए थे उसके बारे में मेंशन था। कितने ड्रग्स मेंशन थे? तो 700, और कितने फॉर्मूलेस मेंशन थे? तो 800। तो ये कहानी होगी इजिप्ट का। सबसे पहले हम स्टोरी लिखेंगे कहाँ का? इजिप्ट का, मिस्र का। तो इतना हम लिख देंगे एक पैराग्राफ में, ये हो जाएगा, डिटेल आपको बुक में मिल जाएगा। अब जो सेकंड कंट्री के बारे में हमें बताना है वो कंट्री है भाई चाइना। अब चाइना को क्यों मेंशन किया जा रहा है? क्योंकि चाइना बहुत पावरफुल है। जैसे अमेरिका को हम हमेशा मेंशन करते हैं ना, अपनी बातों में लाते हैं, अपने कंपैरिजन में लाते हैं, तो वैसे ही अब चाइना का भी मेंशन करना पड़ेगा, या फिर बुक में किया हुआ है। अब चाइना का क्या लिखा हुआ है कि चाइना में प्लांट से निकाल करके जो मेडिसिन बनते थे वो कौन से ईयर में बनते थे? तो वो बनते थे क्या, वो है 5000 BC बिफोर क्राइस्ट। यानी 5000 BC में हमें ये रिकॉर्ड मिलता है कि प्लांट से चाइना में क्या किया जाता था, दवाइयां बनाई जाते थे। अब ये 5000 BC याद नहीं रहेगा, तो ये 5000 BC कैसे याद करना है कि कोई भी चीज जब हम चाइना में जाके खरीदते हैं, क्योंकि वो ब्रांडेड है, उसका नाम है, और सिर्फ नाम इसलिए क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, तो वहां पे कोई भी चीज हम खरीदते हैं, जैसे ड्रग्स ही खरीदते हैं, तो हमें वो 5000 में मिलता है, ठीक है ना। और वही जब हम इंडिया में खरीदते हैं तो वो 1200 में मिलता है। तो ये भी हमें यूज आ जाएगा जब हम इंडिया के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। ये मैं बाद में बताती हूँ। तो पहले हम चाइना के बारे में हमें कितना लिखना है, चाइना के बारे में लिखना है कि वी गॉट द इन्फॉर्मेशन, वी गॉट द रिकॉर्ड अबाउट द ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट इन 5000 BC, ठीक है। अब चाइना का क्या है कि दो साइंटिस्ट का नाम बहुत मेंशन है। एक साइंटिस्ट जो है उसका नाम है शी और नोंग, शी नोंग, है ना, इनका नाम आता है कि इन्होंने बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो अब इनका नाम कैसे याद करना है? तो देखो, ये आधा वर्ड जो है ये शी है, शी यानी लड़की होती है ना, तो शी हो गया, और ये क्या है, नोंग है, नोंग। लेकिन हम ये नोंग नहीं बोल करके हम इसको लोंग भी बोल सकते हैं। लोंग क्या होता है, जो सब नाक में लेडीज लोग पहनती है ना, तिनका होता है ना, बेसर वो होता है। तो अभी इसको हम लोंग नहीं बोल करके क्या बोलेंगे, नोंग बोलेंगे। तो ये शी नोंग जी हमें याद हो जाएंगे, जो कि बहुत फेमस है। इनका नाम बार बार डॉक्यूमेंट्स में आता है। कौन से डॉक्यूमेंट में? चाइना के डॉक्यूमेंट में, कि इन्होंने अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। किस चीज में? फाइंड आउट करने में। क्या फाइंड आउट करने में? मेडिसिनल प्लांट जिससे हम दवाइयां बना सकते हैं। तो एक जो साइंटिस्ट का नाम आ गया वो तो शिनोंग आ गया। अब जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या है? उनका नाम है पेंटासो। अब देखो ये कैसा है, ये पेंटा और सो है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, दूसरे साइंटिस्ट का नाम है। तो ये पेंटासो, जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि पेंटासो जो रहते हैं उसके 5 कॉर्नर्स रहते हैं। उसके क्या रहते हैं? 5 कॉर्नर्स रहते हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 कॉर्नर्स रहते हैं। अब उसके बाद है सो, यानी कि ये ऐसा साइंटिस्ट, हम इसको सिर्फ याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए ये कर सकते हैं कि ये ऐसा साइंटिस्ट था जो पेंटागन, यानी कि पेंटागन शेप वाले बेड पे सोया करता था। सो तो वहां से आ जाएगा ये क्या, पेंटा सो। पेंटा यानी बेड का शेप क्या है, पेंटा, और उस पे वो सोया करता था, तो पेंटा सो हो गया, ठीक है ना।
अब ये हो गई चाइना की कहानी, ये जो भी कहानी थी चाइना की, बस हम चाइना का ज्यादा नहीं कहेंगे क्यों बोले तो पहले ही उसने कोरोना फैला करके भी उसको कोई बोलने वाला नहीं है, क्यों बोले तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है तो वो कुछ छुपा रहे हैं, गलत कर रहे हैं या फिर उसके पूरे लैब्स वगैरह पहले जर्जर हो गए हैं, लेकिन कोई WHO या कोई भी टीम जाकर के उसका इंस्पेक्शन नहीं कर सकती है ना। वही हमारे इंडिया में रहता था या कहीं और रहता था तो दूसरे दूसरे कंट्री के आते थे चेक करने के लिए, लेकिन चाइना है, पावरफुल है तो उसकी तरफ कोई नजर नहीं उठा रहा, कोई उसके बारे में नहीं बोल रहा, तो हम ज्यादा उसके बारे में नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे इंडिया की हिस्ट्री कि हमारे इंडिया में ये प्लांट से निकाल करके ड्रग्स बनाने का पद्धति या फिर प्रथा कब से शुरू हुआ या रिकॉर्ड कब से मिलता है। तो रिकॉर्ड जैसे मैंने बोला कि चाइना में 5000 में कोई चीज मिलती है, वही हमारे यहाँ डिग्रेड हो जाती है, कम रेट हो जाता है तो क्या होता है वो 1200। तो हम लिखेंगे जो हमें रिकॉर्ड मिलता है वो 1200 BC का मिलता है। कब का मिलता है? 1200 BC का मिलता है। तो इन इंडिया वी गेट द रिकॉर्ड अबाउट द दिस एक्सट्रैक्शन फॉर्मेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द प्लांट, मेडिसिनल प्लांट और क्रूड ड्रग, तो वेल इन द एज ऑफ और इन द ईयर ऑफ 1200 BC। तो 1200 BC चाइना से कंपेयर करेंगे वहां 5000 का, तो यहाँ 1200 का, 1200। अब इसमें जो बुक में मेंशन है वो दो चीज और मेंशन है कि एक नाम है जहां पे मेडिसिनल प्लांट के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में लिखा हुआ है? प्लांट के बारे में लिखा हुआ है जो कि मेडिसिनली है, यानी कि मेडिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हम निकाल लेते हैं, मेडिसिनल प्लांट के बारे में लिखा हुआ है। तो वो प्लांट के बारे में जो लिखा हुआ है किस में लिखा हुआ है? तो वो लिखा है चरखा संहिता। अभी चरखा कैसे याद करेंगे? हमारे गांधी जी जो कि फादर ऑफ नेशन है ना, तो वो चरखा से क्या करते थे? वो तागे बनाए करते थे, है ना। और ये संहिता, तो चरखा संहिता, तो ये चरखा संहिता क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है या ये बुक है जिसमें हमें मिलता है कि इंडिया ने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है वो कहाँ मेंटेन किया? चरखा संहिता में, वहां पे मिलता है कि प्लांट से मेडिसिन बनाया जाता था। तो क्या है? चरखा संहिता मिलता है वो, ठीक है ना, चरखा संहिता। अब जो दूसरा चीज है वो सर्जरी के बारे में लिखा है कि सर्जरी के बारे में किसने लिखा हुआ है? सर्जरी के बारे में किसने लिखा हुआ है? तो सर्जरी के बारे में लिखा है सुश्रिता और फिर सेम वही संहिता। अब ये याद करना फिर मुश्किल, तो ये याद करने के लिए क्योंकि सुश्रिता है तो सुष्मिता सेन हम याद कर सकते हैं कि सुष्मिता सेन इज फेमस फॉर डूइंग द सर्जरी, ठीक है ना। तो सुष्मिता सेन, तो शुष से वहां से सुश्रिता आ जाता, सुश्रिता हमें याद हो जाता, अब हमारे माइंड में बैठ जाता। सुश्रिता संहिता, इन सुश्रिता संहिता अबाउट द सर्जरी इज रिटन, ठीक है ना। और ये दोनों भी इंडिया के हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हमें लिखना है तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। ये न्यू पॉइंट्स है, ठीक है। इससे पहले अथर्वेदा ऋग्वेदा वो सब लिखा हुआ था इसमें, तो अब उसको चेंज करके न्यू बुक में क्या दिया हुआ है? चरखा संहिता है और सुश्रिता संहिता। तो इन एग्जाम इट मे बी कम की अबाउट द सर्जरी इन विच बुक इट इज रिटन, तो सुश्रिता संहिता। अबाउट द मेडिसिनल प्लांट वेयर इट इज रिटन इन द इंडिया, तो चरखा संहिता। तो इंडिया के बारे में इतना ही मेंशन है बुक में। अब उसके बाद हम चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अब हमें थोड़े साइंटिस्ट के नाम लिखना है जिन्होंने बड़े बड़े योगदान दिया किसमें? फार्माकोग्नोसी में, यानी कि प्लांट से या एनिमल से या फिर मिनरल से मेडिसिन बनाने में। तो वो साइंटिस्ट के हम थोड़े नाम देख लेंगे। तो पहला साइंटिस्ट आता है, तो ये हमें याद कैसे होगा? हमें समझना है, हमारे कॉलेज में 5 सब्जेक्ट के 5 लेक्चरर्स आते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट जो है वो है हिप्पोक्रेट्स सर। वो कौन है? हिप्पोक्रेट्स सर है, ठीक है ना। हिप्पोक्रेट्स सर है, ठीक है, हिप्पोक्रेट्स सर है। ये किस, इनके, इनका डीप नॉलेज किस चीज में था? तो इनका डीप नॉलेज था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, हिप्पोक्रेट्स डील्स विद द
एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हमें कैसे याद करना है, जो हिप्पोक्रेट्स सर आते हैं ना, वो हमारे कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं। और थोड़े बच्चे उनको किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन से उनको बहुत सारे बच्चे जानते हैं। उनको हिप्पोक्रेट्स सर नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। अब इनका ये भी लिखना पड़ेगा कि ये कौन से ईयर में थे, ये कौन से ईयर में थे। तो हमें लिखना पड़ेगा कैसा, हमें लिखना पड़ेगा 360 BC और उससे 100 साल पहले यानी कि 460। अब ये याद कैसे करें हम, इसको याद करने के लिए क्या है, 360 का मतलब होता है सर्कल, 360 का मतलब होता है कि सर्कल बन रहा है। जब हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, 360 डिग्री मीन सर्कल। अब इनको याद करने के लिए, हिप्पोक्रेट्स सर को याद करने के लिए हम क्या बोलेंगे, हिप्पोक्रेट्स सर ने एक लाइब्रेरी बनाया, एक लाइब्रेरी बनाया जिसका आर्किटेक्ट, जिसका शेप उन्होंने कैसा दिया, सर्कल के जैसा दिया, कैसा दिया, सर्कल के जैसा। अब ये सर्कल बोलने के साथ ही हमें 360 याद आ जाएगा, हिप्पोक्रेट्स सर ने 360 डिग्री सर्कल का लाइब्रेरी बनाया था, क्योंकि वो फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाते थे, तो उन्होंने कॉलेज में लाइब्रेरी भी खोला, ठीक है ना। तो ये 360 से याद आ जाएगा, 360 में थे वो बीसी और उससे 100 साल पहले यानी कि 460, ठीक है ना, ये बीसी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हिप्पोक्रेट्स सर की कहानी हो गई। तो हिप्पोक्रेट्स सर क्वेश्चन में भी कम कि हिप्पोक्रेट्स हु नोज एज अ फादर ऑफ मेडिसिन, तो किनको कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन, तो हिप्पोक्रेट, ठीक है। और इनका ज्यादा रुचि किस में था, ज्यादा नॉलेज किस में था, तो एनाटॉमी है फिजियोलॉजी में था। और ये कौन से साल में आते थे, 360 से 460 में आते थे। अब जो सेकंड साइंटिस्ट का हम नाम लिखेंगे, तो ये तो एक साइंटिस्ट का हो गया, ठीक है। अब सेकंड साइंटिस्ट जो है यानी कि दूसरे जो लेक्चरर हमारे पास आते हैं वो एरिस्टोटल आते हैं। वो कौन आते हैं, एरिस्टोटल, TOTLE, एरिस्टोटल आते हैं। इनका कैसे, इनके तकरीबन इनके पास ही है, तो जब वो 22 साल के थे, ठीक है, वो 22 साल से 84 यानी कि 322 से लेकर के 384 तक उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। यहाँ पे बीसी लिखेंगे। अच्छा, अब एरिस्टोटल किस लिए बहुत फेमस थे, तो ये फेमस थे क्योंकि ये एनिमल्स है। तो हम कैसे याद करेंगे, हमारे कॉलेज में इन्होंने एनिमल जू खोल दिया था, ठीक है, एनिमल्स का जू खोल दिया था और उसको ऑब्जर्व करते थे। और इसके बारे में उन्होंने किस में लिखा, एनिमल किंगडम में लिखा, किस में लिखा, एनिमल किंगडम। तो क्वेश्चन आएगा कि एनिमल किंगडम, एरिस्टोटल आंसर आएगा। अब एनिमल किंगडम तो हो गया, अब यहाँ पे प्लांट किंगडम भी आना चाहिए, यहाँ पे प्लांट किंगडम भी आना चाहिए। तो ये कौन से साइंटिस्ट थे, तो ये साइंटिस्ट जो थे, एक लेक्चरर हिप्पोक्रेट हो गए जो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ाते थे, दूसरे एरिस्टोटल सर आ गए जिन्होंने कॉलेज में क्या जू खोल दिया और एनिमल किंगडम के बारे में लिखा। एक और लेक्चरर आए, उन्होंने तो गार्डन लगा दिया, प्लांट का गार्डन लगा दिया। वो कौन थे, तो वो थे थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस जी थे। तो ये क्यों, किस लिए फेमस थे, क्योंकि इन्होंने आते के साथ ही प्लांट का किंगडम लगा दिया था, मतलब प्लांट का गार्डन लगा दिया था। और हमें याद करने के लिए ये सिर्फ, तो थियोफ्रेटस इज वेल नोन फॉर अ वास्ट नॉलेज और ही गिवन अ सो मच कंट्रीब्यूशन इन द प्लांट किंगडम। अब जो फोर्थ लेक्चरर है वो कौन है, एक और आते हैं बोलते हैं भाई सिर्फ प्लांट, पूरे प्लांट नहीं लगेगा इसमें मेडिसिनल, क्योंकि फार्मेसी कॉलेज है, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट। तो किन्होंने मेडिसिनल प्लांट के बारे में नॉलेज दिया, मेडिसिनल प्लांट के बारे में किन्होंने कहा, बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया, तो वो थे डाई बोलना और स्कोर बोलना, स्कोर डाई इसको राइड। अब इसको याद करने के लिए क्या होगा, इसको याद करने के लिए होगा कि डाई यानी कि दो बार ये सर हमारे कॉलेज आते थे, है ना, आते कैसे आते थे वो, तो राइड करके आते थे, गाड़ी राइड करके आते थे और वो बहुत स्पीड में आते थे और स्पीड में जाते थे। तो वो अपने स्कोर लिखा करते थे, जैसे कि हम मैच में स्कोर देखते हैं ना, तो वो भी अपना स्पीड का स्कोर लिखते थे। कितने बार लिखते थे, तो दो बार लिखते थे। तो ऐसे उनका नाम याद हो जाए कि डाई स्कोर राइट सर। अब ये डाई स्कोर राइट सर क्या किए थे, पूरे प्लांट निकलवा करके सिर्फ मेडिसिनल प्लांट रहने दिए थे। अब जो फिफ्थ है वो तो बहुत मजेदार है, वो गैलन साहब है, वो गैलन अंकल है, गैलन अंकल है। ये क्यों फेमस है,
ये फेमस है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि जितने भी एक्सट्रैक्ट बनाए जाते थे या फिर जितने भी गैलन शील्स बनाए गए वो कौन बनाते थे, गैलन। तो इनको याद कैसे करना है, अभी गैलन अंकल है ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये बहुत अच्छी चाय देते हैं, इनका क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, कॉलेज में इनकी चाय सब पीना पसंद करते हैं, गैलन सर की, गैलन अंकल की, ठीक है ना। तो ये गैलन अंकल को कैसे याद करना है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन देते थे यानी कि जितने भी एक्सट्रैक्ट्स वगैरह बहुत सारे इन्होंने आइसोलेशन बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स दिए, ठीक है, और इसीलिए जो एक्सट्रैक्ट्स निकल के आते हैं उनको गैलन सील्स भी बोलते हैं, गैलन सील्स भी होते हैं। तो ये साइंटिस्ट के इतने नाम हो गए, ये वीडियो बहुत ही लंबा जा रहा है, अब आगे के लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू में करूंगी। तो जो मैंने अपडेट आपको बोला था कि जो एज लिमिट का थोड़ा अपडेट आया है या फिर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का, तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का तो आज मैंने चेक कर लिया, कोई भी न्यू अपडेट नहीं है। दूसरी बात, ये जो एज लिमिट का था वो 1 दिसंबर को थोड़ा प्रोग्रेस हुआ उसमें, उसमें क्या हुआ, जो पीसीआई है जो दिल्ली में है पीसीआई, उन्होंने फिर से स्टेट पीसीआई से, स्टेट यानी जैसे कर्नाटका पंजाबी सब अलग अलग स्टेट हो गए ना, वहां के जो फार्मेसी काउंसिल है, स्टेट का जो फार्मेसी काउंसिल है उनसे फिर से वो कमेंट मांगा है। उसका लास्ट डेट उन्होंने दे दिया है, कब का दिया है, 22 दिसंबर यानी इसी मंथ के 22 दिसंबर तक उन्होंने क्या मांगा है, फिर से कमेंट मांगा है कि उस दिन तक आपको कमेंट कर देना है। तो इसका मतलब है कि अभी कमेंट मांग रहे, यही प्रोसेस चल रहा है। और दूसरी तरफ हम कर्नाटका जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी है वहां पे हम क्या देखते हैं उस सेट में, कि जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले रहे हैं, और जब एडमिशन ले रहे हैं तो उसका जो कंडीशन लिखा हुआ है, कंडीशन में कहीं ये मेंशन नहीं है कि आपका एज क्या है, 5 ईयर्स ही होना चाहिए कम ये पीओसी कम्प्लीट करने के लिए। तो इसका मतलब होता है, जो मैं अभी कर्नाटका स्टेट के बारे में बता रही हूँ, कर्नाटका जो गवर्नमेंट है या एग्जामिनिंग अथॉरिटी है उन्होंने कोई अभी एज लिमिट रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है। तो जब हमारे स्टेट ने नहीं रखा है तो दूसरे स्टेट भी इस साल फॉलो नहीं करेंगे, और इस साल अभी तो ये प्रोसेस में ही है, तो प्रोसेस थोड़ा बड़ा है उनको कमेंट, ये हमें पहले भी मालूम था कि 3 मंथ्स का टाइम दिया गया, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि 3 दिसंबर तक उनका रिप्लाई आएगा, लेकिन जो अभी सर्कुलर जो 1 दिसंबर का आया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि फिर से स्टेट वालों को एक लास्ट डेट दे दी गई है कि 22 दिसंबर तक आप लोग अपना ये कंप्लीट कर लो प्रोसीजर, आप कमेंट हमको पॉजिटिव में भेजो। लेकिन ये सब बनते और होते इस वाले जो ईयर में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उन पे तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी स्टेट में एडमिशन थ्रू द गवर्नमेंट काउंसलिंग हो चुकी है, इसलिए जो इस साल इस बैच के जो बच्चे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। और थोड़े सिमिलर क्वेरीज आए थे, क्वेश्चन आए थे, जैसे कि सैयद आसिफ, अमृता पैसे एंड चेतन कुरबोस एंड सहाबुद्दीन ने सेम क्वेश्चन पूछा है कि मैडम ये जो डी फार्मा का जो एग्जाम डेट शीट है वो आगे ही क्या, जो जनवरी में एग्जैक्ट डेट शीट कुछ आगे ही क्या। तो नहीं, अभी नहीं आई है, मैंने अभी क्या साइट पे चेकअप कर लिया है, कुछ भी अभी नया नहीं आया है, नया बस यही आया है इसमें थोड़ा प्रोग्रेस दिख रहा है 25 जो ये एज लिमिट वाला है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, आप बस मेरे से बने रहिए, मैं डेली आपको अपडेट देते रहूंगी। अगर कुछ अपडेट नहीं भी आएगा तो मैं रोज जो डेली में जो वीडियो बनाती हूँ उसमें बोल दिया करूंगी कि आज अपडेट नहीं है, तो इसलिए आपको जो कंफ्यूजन होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, और ऐसे अगर कोई कॉमन क्वेरीज है तो वो भी मैं क्लियर कर दिया करूंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू, टेक केयर।